मेरा भरा बीमार क्यों भी हो गया, मैं कॉलेज नहीं रह सकती। और इतनी चुल मची की नहीं रिद्धिमा वहाँ पे मजे कैसे कर रही है, यहाँ ने मुझे लेने दीदी नहीं होती था मेरा की होता दीदी मुझे पाया क्योंकि इतने मैकडॉनल्ड्स भी नहीं थी। लाइक ओ माय गॉड वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई मेरे घर वाले ना मुझसे दूर ज्यादा देर रह नहीं पाए, क्यों मम्मी? क्योंकि कब से हफ्ते है मैं चंडीगढ़ थी और इतनी चुल मची की नहीं रिद्धिमा वहाँ पे मजे कैसे कर रही है, यहाँ ने मुझे लेने इतनी जल्दी और कह रहे नहीं तू बहन तुझे जितने मजे करने थे कर लिए, अब तुझे लेके जाएंगे हम। बिल्कुल कहाँ ये वीडियो बासना में डाल दियो जी, कहाँ पहुंचे जाते हम। मम्मी सानू याद आया इतने की है ये पुराने याद है इधरों के अंदर पड़ के तेरा घर लै के दिता सी तन्नू पिंडा च रख्या सी भरावा मैं ना रहने भरावा तरा कटता सी आंटी ने वो वरना मजा आया मजा नहीं एक्चुअली मैं बहुत रोंदी सी जदों मेरी चितकारा च एडमिशन हुई सी क्योंकि इतने मैकडॉनल्ड्स भी नहीं सी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड हाउ विल आई सर्वाइव ना दे लंगे सी परौंठे खाती सी बट यार थोड़ा तो लाइवली होना चाहिए राजपुरा बहुत डेवलप हो गया बट उन्हें याद कर रही सी मतलब कॉलेज की जेडी यादा सी कितना वधिया टाइम स्पेंड किया। मैं जतिन भी कहने जतिन थोड़ा घर छेती ना आया घर 5-6 बजे तक आंदा है पर नहीं बट जो भी है कॉलेज टाइम होता है ना सी बहुत मजा किया एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। पहला जब मैं रोंदी सी हाय किथे आ गई पर जे अगर नहीं आंदी एक साल बाद फिर मैं कह रही थी मैं जाने ही नहीं। मम्मी याद है एक साल तो बाद मैंने सोचा कि मैं कॉलेज जाना ही नहीं, हां मैं छोड़ दूंगी कॉलेज, मेरा ऐ हाल हो गया सी बहुत माड़ा हाल सी। बट देखो फिर मैंने किसी ने मोटिवेट किया, मैंने किसी ने कहा कि तू एयर हॉस्टल बनी, वैसे मैं एयर हॉस्टल बनना चाहती थी बट फिर मैंने किसी ना मेरे सीनियर ने मोटिवेट किया कहते तू डिग्री तो कर पर डिग्री करते करते एयर हॉस्टल का भूत खत्म हो गया है ना। दीदी नहीं होती था मेरा की होता दीदी ने जब मुझे पाया थैंक यू दीदी पर जो भी है आई रियली एंजॉयड इट। बस अभी हम चितकारा को बाय बाय बोल के निकले हैं, जतिन को मैंने बोला भाई 2 मिनट के लिए रोक दे करती थी वीडियो बना लू बट नहीं क्योंकि अभी मेरा कहना नहीं मानता। तो वैसे मम्मी एक चीज सोच रही थी बोलो लोग गुस्सा मान जोगे कि मैं तो दसो हूं ऐसे कितने जा रहे हैं लोगों के पेरेंट्स उन्होंने ले के जाते शिमला कुल्लू मनाली कुमार मैं कहती हूं जाके काली माता के मंदिर जा रहे पटियाला हूँ कह रहे हैं अगली बार असि दरबार साहब जावे अंबरसर उस बाद नैना देवी जावे मतलब असि तो बैठे बैठे साडे फैमिली ट्रिप अम्मी हो गए कितने बैठे असि एवं बुढ़े हो जाने तुसी सानू तीर्थ स्थान तुसी मानसी रह दो ना सिंगापुर घूमा ही है ना 2 महीने ओथे तीर्थ स्थान ते नहीं कीता कोई भी घर आके ते तीर्थ स्थान पर मम्मी घर वाले नाल पाप लिस्ट करनी चाहिए हरिद्वार लेके जांदे हरिद्वार ले जांदे अग्गे ऋषिकेश कदी जांदे ही नहीं कहंदे ऋषिकेश राफ्टिंग करनी कित्थे है मत्था तुसी गंगा जत्थे टेकना ओथे टेक लो है ओथे किश्तियां असी चलानियां कोई नहीं ते तुसी चलानियां ते फिर असी की तुहानू बैठ के बैठ के ब्लशर की और जिसमें फेस वॉश फेस पाउडर है ब्लशर है और आई शेडो है और ये स्किन में लगाते ही ऐसे लगता है जैसे अपनी नेचुरल स्किन है, इसका इस्तेमाल करने से आपको अपनी नेचुरल स्किन जैसा ही टेक्सचर मिलेगा मम्मी प्लीज मम्मी इतने ओके हो गए कभी हिंदी मजबूत वाले ना भैया मेरी मम्मी चुप हो जाएगी आगे बात ही नहीं करेगी इस बार भी ऐसे लग रहा है जैसे कोई पन्ना आपने रटा हो राजपुरे पहुंच गए हां ऐसी मोड तो अगे जाके मेरा पीजी होता सी तो कुलचे वाला खलोता सी जिदे कारण मैं जतिन इतो एक बार कुलचा मेरा जो शुरू कॉलेज मेरे छड़न आए थे कोई कुलचा उलचा खादा सी जतिन एडा गंदा बीमार होया उस तो बाद हॉस्पिटल ही जाके उठे है ना हॉस्पिटल ही जाया सी ना उस तो बाद छोड़ दांगी मेरा भरा बीमार क्यों भी हो गया मैं कॉलेज नहीं रह सकती कुछ हजे भी लग गया मम्मी वाह
ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਏ ਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਬੇਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਗੁੱਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਆਈ ਚੈਰਿਸ਼ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ ਮੰਮੀ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਲਚੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ या कोई भी ऐसे कैब वगैरह शेयरिंग कैब में आती हूँ वो लोग क्या करते हैं वो टोल ही नहीं देते हैं वो कोई ऐसे जगह से निकालते हैं जहाँ उन्हें टोल ना देना पड़े तो आज मुझे लगा कि यार मुझे भी शायद पता होगा कि हाउ टू अवॉइड टोल गूगल की हेल्प से बट अनफॉर्चुनेटली हम उस मम्मी क्या गाने सुन रहे हैं खज्जल खवार होने तो बाद आप पटियाले पहुंच गए हाँ फाइनली असी पहुंच गए पटियाले हूं मत्था टेकते दर्शन करते हैं माता के उस तो पहले या उस तो बाद कुछ खाते हैं डैडी रुक जाएंगे डैडी पेशेंट बनते हैं ना यार पता नहीं रुक जाएंगे ना जिन्ना सानू पता है साडी दादी दसदे सी कि डैडी बंक मार के मूवियां देखदे है डैडी और उनके बच्चे इतने शरीफ हाउ कम आए मैंने तो कभी बंक नहीं मारा तुमने मारा जतिन मैंने कली जोटा देखनी है कली जोटा वो भी पटियाले आगे तुझे कली जोटा देखनी है और जोटा देखनी है इसने हमने नहीं देंगे जब मैं इन्होंने कहा कि लुधियाने तो मैं नहीं सी अपनी देख के आते हूँ इतने आ जाओ तुम इतने आगे खाना पीना नहीं तुझे कली जोटा देखनी है भूख लग गई है अब खाने के लिए बर्गर खाना भी क्या है बर्गर बंद वो फिंगर फ्राई क्योंकि इस टाइम रोटी नहीं मिलने वाली आपको इतने गलत टाइम हो इस टाइम खाना तो कहीं मिलेगा नहीं इसके बर्गर से और फिंगर फ्राई से ही टाइम अपना निकालना पड़ेगा घर भी मैं पटियाला आई है मैं कभी स्मॉल नहीं आई बट फाइनली मेरे घर वाले मैं स्मॉल ले आया डैडी पता नहीं क्यों ये तुम्हें वधिया लगता डैडी इतना बिजी है इतने मशरूफ है अपने फोन च फोटो भेजने च बंदे नु है ऐसे सिंगापुर जाके मैं कितना महीना दो हो गया इतने आए पर जतिन के मुंह जो सिंगापुर ना जा नहीं रहा नहीं से सिंगापुर से मैकडोनल्ड नहीं गई सर गई सी बट द थिंग इज उथे वेज नहीं सीगा बस मैं फ्राइज खाते थे फ्रेंच फ्राइज उथे होर होर बर्गर कुछ भी नहीं थे तुसी साडे वर्गे नु उथे भेज दिया भी जावो तो फिर साडा की बनेगा उथे रब राखा हां एथो तानू मैकडोनल्ड करके भेज देना भरावा नहीं उथे उथे आपसे करो महीने दा वैसे करो बन के लेके जाएंगे ठीक है ना दीदी साडे इंतजाम करेगी घर बना के खाएगी नहीं खाने मिले सानू दर्शन दुर्शन कर ले सी एंड खाना पीना भी खा लिया दर्शन अज रश नहीं सी मतलब पिछली बार बैठे सी तुसी जब तक नहीं आए ना तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।